स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप भी जाओगे खुश होंगे। देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ नए चावल का खीर। देखिए चावल को मैं बैठा गर्म कर दी हूँ भगोने में और दूध डाल दी हूँ, दूध और चावल डाल दी हूँ। ये पक रहा है, जब पक जाएगा तो इसमें हम जब चावल पक जाएगा तब चीनी डालेंगे। और देखिए इधर मेरा आलू उबल गया है, अब इसे चलते हैं छीलते हैं, इसका छिलका हटा दे के हटाएँगे और इसमें का। सो फ्रेंड्स देखिए इधर हमारा खीर बनकर तैयार हो गया है, अब इसे नीचे उतार देंगे तो यह गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि ये नया चावल का है तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और आलू इधर हम छील दिए हैं पराठा बनाने के लिए, इसे मैश कर देंगे हाथों से। और देखिए इसमें कढ़ाई रख दिए, जीरा ऐड कर देंगे, जो भी डालना है आपको डाल दीजिए। इसमें लहसुन का तड़का लगा देंगे, फिर मिर्च और प्याज डाल देंगे और अपना मसाला जो भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर है, गर्म मसाला और हल्दी पाउडर, इसमें आप चाट मसाला डाल सकते हैं। और अमचूर पाउडर नहीं तो नहीं है तो नींबू डाल दीजिए। अब इसे मिला देंगे, देखिए हमारा हो गया है। और इसे एक थाली में हम निकाल देंगे दूसरे, अब उसी कढ़ाई में हम सब्जी बना देंगे। आप पराठा चटनी से भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इधर हमारा जो आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है पराठा के लिए, और ये गोभी मिर्च है, लहसुन है और प्याज है। मैं उसी कढ़ाई में ऑयल डालकर और जीरा डाल दूँ सब्जी बनाने के लिए आलू गोभी का। देखिए सबको मैं एक साथ डालकर इसे धीमी गैस कर देंगे। आप हीटर एक गैस है जो भी पकाते हैं, चूल्हे पर पकाते हैं धीमी आँच कर इसको चलते हैं ढक देते हैं। और ये देखिए टमाटर ले लिए हैं धोकर, तीन ले लिए हैं डालने के लिए क्योंकि ये छोटा साइज का है, इसीलिए पहले टमाटर काट कर डाल देंगे तब आलू बाद में डालेंगे। ऐसे इसी तरह चलाकर भूनेंगे क्योंकि आलू मेरा उबल गया है और ये है गोभी होने में टाइम लगेगी, इसीलिए इसे ढक ढक कर पकाना पड़ेगा। सो फ्रेंड देखिए इधर हमारा टमाटर कट गया है और इसे चलते हैं ये प्लेट में निकाल देते हैं। इसे निकाल कर अब इसमें हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम नमक डाल, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां जल्दी बेकर पक जाती हैं। अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। डालकर इसे चलाकर ढक देते हैं। देखिए इसमें सब डालकर मिलाकर अब इसे ढक देते हैं पकने के लिए। और तब तक मैं आलू काट देते हैं। ये देखिए जो इसमें काला काला देख रहे हैं ना, इसे निकाल देंगे। सो गाइस देखिए मेरा आलू कट गया है और अब चलते हैं इसमें हम मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी ये भी भून गई है और इसे मिलाकर थोड़ा सा एक बार और टोक कर इसे फ्राई कर लेंगे तब इसमें मसाला डालेंगे। एक बार टोक कर तब मसाला डालते हैं। देखिए मसाला में धनिया पाउडर लिए हैं और ये गरम मसाला खड़ा घर के हम पीस लिए हैं मिक्सी जार में, और ये हल्दी है
अब इसमें पानी मिलाकर डाल देंगे। आप अपनी भून चुकी है मसाला डालने लायक हो गई है, अब इसमें हम मसाला अपना डाल सकते हैं। देखिए मसाला डालकर चलाकर इसमें मसाला भून जाएगा तब इसमें पानी डालेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं, गोभी नहीं हुआ था इसलिए पानी डाल दिए हैं और ये सूख जाएगा। अब इसे ढक देंगे और इधर देखिए मैं आटा को चाल ली हूँ। अब चलते हैं इसे मारकर। पराठा के लिए आटा नरम ही लगाया जाता है। अभी चलते हैं इसे गूंथ कर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं की हूँ और शाम से शूट की हूँ क्योंकि धान का सीजन चल रहा है। धान रोज़ पीटना ठुकाना ओसाना वही सब काम रहता है तो रोज़ वही एक ही चीज़ किया दिखाना। सोचे कि आप लोग भी कहेंगे सिर्फ धान ओसाना भरना यही सब दिखाती हैं, इसीलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी। शाम से मैं वीडियो बना रही हूँ और देखिए मेरा डेली ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, इसी में बिजी रहते हैं इसीलिए मेरा डेली ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। और इधर देखिए मैं आटा और देखिए ये पराठा के लिए आटा मैं लगा रही हूँ और सोचे कि शाम से बनाकर कुछ भी जो। सो फ्रेंड्स, मेरा आटा गूंथ कर रखा गया, देखिए इधर दिखाई नहीं देगा, इधर सब्जी बन रही है। और चलते हैं बाज़ार से, धनिया की पत्ती नहीं थी तो मंगाए हैं, चलते हैं निकाल देते हैं क्योंकि धनिया की पत्ती सब काट कर जब तक सब इंची नहीं हुए तब तक काट कर रख देते हैं। और देखिए बाज़ार से क्या क्या लाए हैं, देखिए यहाँ पर नया गुड़ लेकर आए हैं जो नया है अभी बाज़ार में मिल। इधर नमक लाए हैं और ये मसाला है घाटी वाला सत्तू का, इसमें मूली धनिया की पत्ती और देखते हैं क्या क्या लाए हैं। इसे चलते हैं निकाल देते हैं नहीं तो प्लास्टिक में ये ख़राब हो जाता है। देखिए मूली लाए हैं, ये धनिया की पत्ती कहे थे खूब सारा लाइए थे कि धनिया की पत्ती अधिक पड़ती है सब्जी, हमको धनिया की पत्ती सबने पसंद है बहुत ज़्यादा, चटनी हो या। देखिए इधर टमाटर मिर्च ये गोभी ये धनिया की पत्ती और ये है पालक, सुबह में पालक का दाल बनाऊं। और कल तो शनिवार है, शनिवार के दिन खिचड़ी बनाना भी अनिवार्य रहता है। और इधर देखिए थे ये मूली लाए हैं, चलते हैं धनिया की पत्ती काट कर रख देते हैं। देखिए इतना सारा धनिया की पत्ती मैं डालूंगी, ये रख देते हैं सब्जी में पड़ेगा सुबह। ये गुड़ लाए हैं, चलते हैं साथ ही साथ। देखिए पता नहीं कैसे पानी छोड़ दिया है इस डब्बे में भर। हमारी धनिया की पत्ती कट गई है, अब चलते हैं इसमें हम खूब सारे धनिया की पत्ती ऐड कर। इसमें सब्जी से थोड़ा सा तेज़ी में नमक डालना चाहिए, अब इसे मिलाकर। और देखिए इधर मेरी सब्जी बन गई है, अब इसे नीचे उतार कर इसमें धनिया पत्ती। देखिए इधर हमारा मसाला तैयार हो गया है आलू पराठा का। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम भर कर इसे बेल दिए हैं और एक मेरा तवा पर सिक रहा है, इसमें आयल लगाना है, जल गया भी है। देखिए बिना आयल लगाए कितना अच्छी तरीके से फूल गया है। और देखिए ये मेरा दूसरा पराठा है, अब इसमें भी हम आयल लगा कर अच्छी तरीके से इसे भी देंगे। देखिए ये भी मेरा पराठा फूल गया है, देखिए सिक गया है। We'll be right back.
फ्रेंड्स देखिए इधर मेरा सब्जी खीर पराठा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए सलाद है। और आज की मेरी वीडियो यहीं पर थी। पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुंच जाए।